जामतारा आरपीएफ थाना में किन्नर अश्विनी अंबेडकर ने दो आरपीएफ जवानों के ऊपर जबरदस्ती करने और मारपीट करने का लिखित आवेदन दिया है। किन्नर का आरोप है कि वह जल्दबाजी में ट्रेन की टिकट नहीं ले पाई और टाटा दानापुर एक्सप्रेस आसनसोल से मधुपुर जाने के लिए निकल पड़ी। तब आरपीएफ के दो जवानों ने उसे टिकट दिखाने को कहा। टिकट नहीं मिलने पर दोनों जवान उसे बाथरूम चलने को कहा और वहीं मामला निपटाने की बात कही, जिसका किन्नर ने विरोध जताया और बाथरूम ना जाने की बात कही, जिसके बाद दोनों जवानों ने जबरदस्ती बाथरूम ले जाने की कोशिश की। किन्नर का विरोध करने पर दोनों जवानों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके नाक से खून निकल आया और कई जगह चोट भी आई है। किन्नर का आरोप है कि जब देश के रक्षक ही देश के भक्षक बन जाएं और इनमें से जब हम किन्नर ही महफूज नहीं हैं, तो महिलाएं कैसे महफूज हो सकती है। साथ ही उन्होंने न्याय की मांग करते हुए दोनों जवानों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जामतारा रेलवे आरपीएफ पदाधिकारी ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया कि यह मामला ट्रेन में घटित हुआ है, जिसका लिखित आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। हम इस घटना की सूचना आसनसोल आरपीएफ कार्यालय में दे चुके हैं, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। पहला है एप्लीकेशन जो मेरा खून से एक हिजड़े का खून से लिखा गया है। क्या मामला क्या है जरा बताएंगे आप? मेरे नाम अश्विनी अम्बेडकर है। मैं आसनसोल से मधुपुर जा रही थी अपने घर के कुछ निजी कामों से। उस बीच में मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी अपना निवास स्थान मेरा गिरिडीह है। तो जब ट्रेन पे हम विदाउट टिकट चढ़े तो दो पुलिस सिपाही आए मेरे पास और वो आकर पूछे टिकट तुम कहाँ जा रही हो? तो हम बोले मधुपुर जा रहे हैं। तो बोला टिकट दिखाइए। तो हम बोले टिकट तो नहीं ले पाए, मेरा सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं था, आर्थिक स्थिति, हम नहीं ले पाए, ट्रेन लग गई थी प्लेटफॉर्म पर। तो वो बोलता है कि ठीक है बाथरूम में चलो, हम लोग आपस में ले दे के निपटा लेंगे। तो हम बोले भैया बाथरूम में ऐसा क्या ले दे के आप निपटा लोगे, आप यहीं पे बात करो मेरे से, टीसी को बुलाइए, हम टिकट नहीं लिए तो कानूनी तौर पे आप मेरे पे फाइन चार्ज करोगे, मेरे पे रसीद काट के दो, हम फाइन अपना भरेंगे हम। तो वो मेरे को मास और बहन लगा के गंदी गालियां दी। उस गाली का विरोध जब मैं बोली कि आप एक ऑफिसर होके मेरे पे गाली दे रहे हो, अच्छी बात है एक लेडीज किन्नर पे गाली देते हो आप एक ऑफिसर होके, तो उसी बीच में मेरे पे एक थप्पड़ मारा उन्होंने और धक्का देकर वो जबरदस्ती बाथरूम के अंदर लेकर जाने की कोशिश की और फ्लैट से मेरे नाक पे वार किया उन्होंने। जब मेरा ब्लडिंग चलने लगा, आप तो देख रहे हो यहाँ पे चोट भी आई है हमारी, अब ब्लडिंग अभी भी चल रही है मेरी। उसके बाद मैं अपने ब्लडिंग में रोक नहीं पा रही थी, वो अपने रुमाल से मेरे मुंह में कपड़ा डालकर मेरे सांस रुकने लगा था, घुटने लगा था। उसी बीच कुछ पब्लिक आए तब वो उन्होंने मेरे को छोड़ा और उसके बाद उसने छोड़ा, मैं वो तो कह रहे थे इसको ट्रेन से धक्का दे देंगे, फिर कुछ पब्लिक सिटी की वजह से वो अपने आप को रोक पाए और उस बीच में मेरे गले में सोने का चैन था वो भी मेरा गले से निकल गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। और आप समाज के बीच में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज मैं एक सामाजिक किन्नर महिला हूँ। मैं अगर हम आप सोसाइटी में आप समाज के बीच में हम सुरक्षित नहीं हैं तो आज की महिला कहाँ सुरक्षित है, कहाँ वुमेन्स राइट कहाँ पे है? हमारी महिला हमारी लड़कियाँ आज कॉलेज जाने से डरती है, ट्रेन में ट्रैवलिंग करने से डरती, क्यों डरती है? कि ये कुछ गुंडों के वजह से जो ऊपर से तो शेर का वर्दी लगा रखते हैं पर अंदर से निकलते भेड़िया हैं। अच्छा, आप जो अभी कहें कि आपका सोना का चेन निकल गया, कोई छीन लिया कि निकल के आप किसी अब उस बीच में क्या हुआ? देखिए मेरे पे तो दो व्यक्ति वार किए, एक का नाम एमडी हुसैन है और दूसरे का नाम मैं नहीं पता मुझे। लोग कहाँ के अफसर थे वो मुझे नहीं मालूम, मगर वो टाटा दानापुर जो ट्रेन चलती है आज दिनांक 29 तारीख है और आसनसोल से वो दोनों सिपाही चढ़े थे। वो लोग कहाँ तक आया? और जामताड़ा में हम मुझे उतार दिया गया, यहाँ पे जामताड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन में मैं बैठी हूँ अभी। और वो लोग कहाँ गए ये मुझे जानकारी नहीं। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आप मेरी अवस्था को देख रहे हो कि मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है और कुछ सबूत की जरूरत नहीं है। आपने कोई लिखित आवेदन दिया? हाँ लिखित आवेदन दी हूँ, अभी उस पर कार्रवाई तो अभी हो रही है, अभी तो बराबर हुई नहीं है। वो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लीगल थ्रू से और हमारी कुछ काम के वजह से अभी हम इतना सपोर्ट मिला है, बाकी अभी इस पर कोई उचित कार्रवाई अभी हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे हो भी होगा कि नहीं होगा। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते कि थाने में आते के साथ मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, कुछ ऑफिसर ने मुझे गंदी गालियां भी दी। हिजड़े ऐसे होते हैं, हिजड़े वैसे आते, हिजड़े आए कहाँ से है? कौन ऐसा गाली दी आपको? उनका नाम तो नहीं पता ना मुझे।
नाम नहीं पता ना। एसी थाना के अफसर कोई ये नहीं पता, खाना खा के भाग गए। संचिता दा जो हमारी अभी हमारी महिला एडवोकेट है, जो महिला वकील है हमारी, अगर आज ये नहीं होती तो शायद आज हम ये एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते और यहाँ हमारी उचित हमारी न्याय का जो उम्मीद हमें मिल रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, वो आश्वासन हमें नहीं मिलता। आज इनका सपोर्ट है, इनका सामर्थ्य है हमारे साथ में, जो आज हमें यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा गया और यहाँ के थाना प्रभारी हमारी एप्लीकेशन को दर्ज कर रहे हैं। संचिता दा जी, आप जिला जामताड़ा के जो मैं संचिता दा जामताड़ा के लॉयर हूँ सिविल कोर्ट की, और मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क पूरा झारखंड के एक लॉयर हूँ, ठीक है। और वहीं से रांची से ही हमको इन्फॉर्म किया गया कि एक किन्नर के साथ इस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है ट्रेन में, तो हम आए इसको गाइड किए कि एप्लीकेशन लिखवाएं और इंजरी के लिए भेज रहे हैं। इंजरी होने के बाद इनका भेजा जाएगा इनको घर, अरेस्ट तो नहीं होगा अभी, और आपका मंडे के दिन इनका बेल पिटिशन फाइल करेंगे, और जो भी है ऑपोजिट पार्टी उनके ऊपर सजा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इन पर कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उन लोग एफआईआर किया है ऑपोजिट पार्टी पुलिस जो दोनों है, जो इनके साथ मारपीट किया है, जबरदस्ती करने का कोशिश किया गया, तो लोग एफआईआर कर रहे हैं। तो चूंकि वो लोग एफआईआर कर रहे हैं तो इनको तो बेल कराना है मंडे के दिन। कौन है वो लोग? वो लोग है सीआरपीएफ है टाटा दानापुर, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है आपका, क्या कौन नाम है, हुसैन, एमडी हुसैन है, एमडी हुसैन बोल रहे हैं, और कोई दूसरा एक है, दोनों वो दोनों का शिनाख्त हो गया है। शिनाख्त हो गया है, धन्यवाद। हाँ सर बताइए। मेरा सर संज्ञान में मामला ये आया थ्रू हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से, आसनसोल कंट्रोल हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात ट्रेन नंबर 200 में हुआ। तत्काल हम लोग उनकी बात को सुनते हुए अपना ट्रेन आई जब अराइवल हुआ स्टेशन पे, तो हम लोग उस कोचिंग उस बोगी को अटेंड किए अपना ऑफिसर और अवेलेबल ऑफिसर स्टाफ के माध्यम से, और वो स्पॉट जो कर रहा था हमारा स्टाफ उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि इनके जो यहाँ पर हमारे पास में आए हैं उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, और उसी दौरान समझाने बुझाने के विदाउट मास्क थी, उनके पास कोई ट्रेवलिंग अथॉरिटी नहीं थी, तो एज ए रूटीन चेकिंग सर उन्होंने अपना कार्रवाई किया, और उस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ क्या नहीं सर मैं तो थाने ये ट्रेन में हुआ, तो सर मैं यही जानने के लिए उनसे बुलाया हूँ, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा सर, उनका आगे की कार्रवाई आप लोगों को सूचित करें। सर यहाँ थाने में भी आरोप लग रहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है? नहीं सर एकदम नहीं, तो सर आप तो अपना बात बोल सकता हूँ। मोहम्मद शमीम खान सर, शमीम खान सर एक प्रश्न जी सर। सर क्या वो आरपीएफ जो ट्रेन में ही कर रहे थे सफर कर रहे थे उन लोगों के द्वारा कोई एफआईआर किया गया इस किन्नर पर? जी सर ये उनको कंप्लेंट दिया गया है कंट्रोल के द्वारा कि जब ये सारा चीज हो रहा था समझाया बुझाया जा रहा था उनके दौरान, तो इन्होंने अपना जो है सर जो है किसी चीज पे मार लिया और उससे इनको जो है नोज ब्लीडिंग टाइप का हुआ, और हम लोगों ने जब यहाँ रिसीव किया तो वो उसी हालत में इनको हम लोग लगातार इंसिस्ट किए रिक्वेस्ट किए सब चीज इनको इनके मुताबिक हम लोगों ने किया, और अभी जो अग्रिम कार्रवाई के लिए सर हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं। सर जिस पर ये ब्लेम कर रही है, जिस पर आरोप लगा रही है, वो एस्कॉर्ट कर रहे दोनों आरपीएफ का नाम बता पाएंगे सर? नहीं सर मेरा जानकारी में नहीं, उनका डिप्लॉयमेंट होता है सर आसनसोल हेडक्वार्टर।